अगली खबर है कुचामन सिटी से, जहां पर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए साधु संतों ने की पूजा अर्चना, किया भोलेनाथ का अभिषेक। देखिए हमारी खास खबर, कोरोना संक्रमण से गहराए संकट के बीच इस आपदा से निजात के लिए प्रार्थना और दुआओं का दौर भी जारी है। कहीं अभिषेक यज्ञ हवन तो कहीं इबादत में लोग जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध के बीच सोमवार को नागौर जिले के कुचामन में सोमवार को वैद्य श्याम स्वरूप गौड़ व संत श्री अनिल कुमार गौड़ के नेतृत्व में संतों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ कोरोना को भगाने के लिए अभिषेक व हवन किया गया। हवन और मंत्रों के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि के प्रयास और कोरोना महामारी से मुक्ति व लोगों की मानसिक शांति की प्रार्थना की गई। किस उद्देश्य को देखते हुए आपने अनुष्ठान किया है? अभी देश में जो महामारी फैल रही है उसकी शांति के लिए, लोगों को रोग मुक्ति के लिए आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है हम सब लोगों ने सह परिवार मिलकर के। आज भगवान सदाशिव का रुद्राभिषेक किया है हम सब लोगों ने मिलकर के पूरे परिवार के साथ, देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए। वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है और कोरोना से लोगों की जो अकाल मृत्यु हो रही है, उस रोग से मुक्ति के लिए भगवान शिव से करबद्ध प्रार्थना की है अपने, कि सभी देशवासी सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे और आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप है उन तापों का शमन करने के लिए आज भगवान से हम सब लोगों ने मिलकर के तहे दिल से देशवासियों के लिए देश की सुख शांति की कामना करते हुए रुद्राभिषेक किया है। और इस रुद्राभिषेक का हम चाहते हैं सभी को पुण्य।